तो हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश। तो देख सकते हैं मारुति किक को, जिसमें प्रॉब्लम है। देख सकते हैं मैं गाड़ी स्टार्ट मार रहा हूँ। देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट है, इसमें देख रहे हैं एयरबैग का लाइट शो हो रहा है, ये यहाँ देख सकते हैं। और इसमें का जो हॉर्न भी है वो भी देख रहे हैं बंद है, हॉर्न दबाने से भी इसका जो, तो हमने सारे इसका वायरिंग चेकअप किया हुआ है। इसका जो है करंट सप्लाई यहाँ तक हो रहा है कॉन्टैक्ट कॉइल तक, बट यहाँ कॉन्टैक्ट कॉइल से आगे नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसका जो कॉन्टैक्ट कॉइल है वो टूट चुका है अंदर से। तो देख सकते हैं हमने ये नया कॉन्टैक्ट कॉइल लिया हुआ है 440 रुपये का, मारुति का भी हूँ। देख सकते हैं ये विथ कॉम्बिनेशन स्विच आता है, देख रहे हैं। तो हम लोग खोलते हैं इसका एयरबैग स्टेयरिंग व्हील वाला बारीक वाली स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से। तो इसको किस तरह से खोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपने को इस तरह से बारीक एक स्क्रू ड्राइवर लेनी है माइनस वाली, देख सकते हैं। तो आपको इसको खोलने का प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। तो देख रहे हैं इस टाइप से होल लिया हुआ है, तीन होल, तीन तरह से लॉक होता है, एक होल, ये दूसरी और ये तीसरी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरह से खोलते हैं। देख रहे हैं एक साइड का खुल गई है यहाँ से, इसी तरह इधर भी दिया हुआ है होल ये, देख रहे हैं यहाँ से भी खुल गया, ये तीसरी साइड होल, तो ये भी खुलेगी देखना। सॉरी, देख सकते हैं अपना एयरबैग खुल गया है इस तरह से। तो देख सकते हैं ये कपलर है एयरबैग की। तो सबसे पहले हम अपने को ये जो पिली वाली लॉक है वो खोलना है, उसके बाद इस तरह से खींच लेना है, और ये दूसरी ये हॉर्न वाली जो कपलर है वो खोल लेना, इसको खोलेंगे यहाँ से, फिर आ जाएगा अपना एयरबैग बाहर। तो देख सकते हैं अपना एयरबैग का सिस्टम बाहर आ गया है। अब अपने को ये स्टीयरिंग व्हील खोलने के लिए ये खोलना पड़ेगा 17 नंबर का, यहाँ से देख सकते हैं जो नट है वो, उसके बाद जो अपना कॉन्टैक्ट कॉइल विथ चाबी से आ जाएगी बाहर। तो देख सकते हैं ये अपना कॉन्टैक्ट कॉइल पूरी राउंड ले रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं टूट चुका है अंदर से, डैमेज हो चुका है, देख रहे हैं। तो ये हम लोग करेंगे रिप्लेसमेंट, ये हमने जिनून परचेस किया हुआ है मारुति का। तो देख सकते हैं ये जो हमने नया कॉन्टैक्ट कॉइल है वो रिप्लेसमेंट कर दिया है, ये पुराने वाली, ये नई वाली। तो अपने को ये सेंटर में रखना होता है, देख सकते हैं ये, और इसका लॉक इस तरह से खोलना होता है ये, और ये अपने को घुमाना नहीं लगाने के टाइम में बिल्कुल भी, ये अपने को सावधानी रखनी है। तो ये देख सकते हैं अपनी पुरानी वाली जिसको हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, रख साइड में। तो इसमें कॉन्टैक्ट कॉइल और जो कॉम्बिनेशन स्विच है वो साथ में आता है कंप्लीट, देख सकते हैं इस तरह से। और दूसरी गाड़ियों में जो कॉन्टैक्ट कॉइल है ये वाला पोर्शन वो अलग से आ जाता है, तो इसमें कंप्लीट दिया हुआ है, देख सकते हैं नई मॉडल इक्को में इस तरह से। तो देख सकते हैं अपनी जो फिटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। तो अपने को देख सकते हैं ये है अपना एयरबैग वाला सिस्टम। तो देख सकते हैं अपने को यहाँ प्रेस करना होता है प्लास्टिक में, देख रहे हैं ये इस टाइप का प्रेस करना होता है, इधर भी ये प्लास्टिक में प्रेस करना होता है, ना कि ये जो लॉक दिख रहे तार उसमें, देख रहे हैं इधर भी ये प्लास्टिक में ये यहाँ प्रेस करना होता है, तभी इसका जो एयरबैग का जो सिस्टम है एयरबैग वो निकल पाता है। तो ये करते हैं फिटिंग कंप्लीट, उसके बाद देखते हैं इसकी हॉर्न और इसकी एयरबैग लाइट की कंडीशन क्या है। तो देख सकते हैं हमारा जो फिटिंग हो कंप्लीट हो चुका है, फिटिंग कंप्लीट हो चुका है, देख रहे हैं हॉर्न दबा रहा हूँ, हॉर्न बज रहा है और मैं गाड़ी स्टार्ट मार रहा हूँ। तो एयरबैग का लाइट फिलहाल तो हो गया नहीं है, अपने को स्कैन करना पड़ेगा, स्कैनिंग के बाद वो भी आउट हो जाएगा जो लाइट है वो। तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।